सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। साहित्य शास्त्र, वेद, नीति शास्त्र तथा कर्मकांड के महाविद्वान राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित सचंडी महायज्ञ के आचार्य प्रातस्मरणीय परम आदरणीय परम पूज्य गुरु जी डॉक्टर विश्वमूर्ति शास्त्री जी से कि वह भक्तों को आज बसंतक नवरात्र के तृतीय नवरात्र के अवसर पर माँ भगवती चंद्रघंटा का महत्व बतलाते हुए अपने आशीर्वचनों द्वारा भक्तजनों को आप्यायित करें। परम श्रद्धा परम पूज्य गुरु जी, ब्रह्मा येन कुलाल वन्नियमित ब्रह्मांड भांडोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनंकारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। समादरणीय श्राइन बोर्ड के एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव श्री विवेक वर्मा जी, यहाँ के प्रशासक एवं यज्ञ के प्रधान यजमान श्री नरेश कुमार शर्मा जी सपत्नीक, सभी विद्वज्जन, श्राइन बोर्ड के सभी अधिकारीगण, भारतवर्ष के विविध प्रांतों से आए हुए सभी भक्तजन, आज तृतीय नवरात्र के अवसर पर चंद्रघंटा के दर्शन के समय आप सबका इस सिद्ध पीठ पर स्वागत एवं आप सबका अभिनंदन। भगवती माँ के जो नौ रूप हैं उनमें आप तृतीय रूप का दर्शन कर रहे हैं आज चंद्रघंटा का। भगवती को भगवती क्यों कहते हैं, उसके लिए कहा है भगवती और भगवान दोनों शब्द प्रायः समान समान हैं, एक पुरुषवाचक है एक स्त्रीवाचक है। उसमें कहा है कि उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम अगतिं गतिः वेति विद्याम विद्यांच सवाच्यो भगवान इति। जो संसार की उत्पत्ति को जानते हैं, जो उसकी प्रलय को जानते हैं कब प्रलय हुई होनी है, भूतानाम अगतिं गतिः जितने भी भूत प्राणी हैं ये कब कहां से आए, कहां इनको जाना है, क्या इनकी गति है। वेति विद्याम अविद्यांच जो विद्या को जानते हैं जो अविद्या को जानते हैं, जो ज्ञान को जानते हैं जो अज्ञान को भी जानते हैं, सवाच्यो भगवान इति वही उसी को भगवान कहते हैं उसी को भगवती कहते हैं। भग शब्द का अर्थ जो है शास्त्र में कहा है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रेया वैराग्यस्य च सत्यस्य चन्द्राम भग इति यते। छह बातों को भग शब्द से कहा जाता है। उसमें कहा कि ऐश्वर्य से समग्रस्य जितने भी ऐश्वर्य हैं और जितने भी ऐश्वर्यदायक जो बातें हैं वो सारी की सारी भग शब्द से कही जाती हैं। धर्मस्य जो भी धर्म की विधि है, जो भी धर्म के प्रकार हैं, जो भी धर्म हैं और जो धर्म की सत्ता है, और जश और श्री और वैराग्य और सत्य, इसको जो जानते हैं इसको स्थापित करने वाली जो है वो भगवती है और भग शब्द से कही आती है। ऐसी भगवती जो सब कुछ जानती है, जो अंतर्जामी है, ऐसे भगवान जो अंतर्जामी हैं और इसीलिए हम उनको भगवान कहते हैं, इसीलिए हम माँ को भगवती कहते हैं। ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली यही भगवती है।
आज आप भगवती के तीसरे रूप का दर्शन कर रहे हैं, चंद्र घंटा का। घंटे के समान अर्धचंद्र जिनके मस्तक में विद्यमान है, घंटे के आकार का चंद्र जो है अर्धचंद्र जिनके मस्तक में विद्यमान है, इसीलिए इनको चंद्र घंटा कहते हैं। और चंद्र घंटा का स्वरूप बड़ा सौम्य और बहुत दिव्य और बहुत दर्शनीय है। ये 10 भुजा वाली हैं, सिंह वाहिनी हैं, और इनके दर्शन से सब प्रकार के रोग शोक और कलह दूर होते हैं। इनके घंटे के निनाद से अत्याचारी दानव, दैत्य, राक्षस क्षण मात्र में वो भाग जाते हैं। जो साधक प्रथम नवरात्र से अहर्निश लगातार भगवती के ध्यान में अपने तपस्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, उनकी तपस्या परिपक्व होने जा रही है, लेकिन किसी काम की परिपक्वता में कई प्रकार की विघ्न बाधाएं भी आती हैं, जो उस तपस्या में कई प्रकार की बाधाएं भी देती हैं। बहुत भक्त के लिए, साधक के लिए, उपासक के लिए ये बहुत बड़ी सावधानी का समय है। और जो भक्त हैं इसके, उनके उनको स्वयं एक अलौकिक सुगंधियों का अनुभव होने लग पड़ता है। अलौकिक ध्वनियां आवाजें जो है वो उनको सुनाई देती हैं। और इस प्रकार के भक्त, चंद्र घंटा के भक्त जिस जगह पर भी जाते हैं, जिस जगह पर भी होते हैं, दूसरे लोगों को शांति और सौमनस्यता की प्रतीति होने लग पड़ती है। ऐसी भगवती मां का आशीर्वाद आप सबको मिले और आप सभी भगवती चंद्र घंटा के आशीर्वाद को प्राप्त करें। सबसे बड़ा इस तृतीय स्वरूप के दर्शन का एकमात्र तात्पर्य जो है वो क्या है कि इनके उपासक वो सौम्य होते हैं और सब प्रकार की शुभ बातें उनमें आती हैं और अनेक प्रकार के कष्टों को दूर भगा करके अपनी उन्नति की ओर प्रयासशील होते हैं। आप जानते हैं कि भगवती की उपासना के लिए जितने मंत्र, जितनी जो एक अपनी मनोभिलषित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए सप्तशती में कहे गए हैं, उनका आप सभी जप भी करते होंगे, पाठ भी करते होंगे। उनमें से एक मंत्र जो आतंक को दूर करने वाला है, जो इतिये हैं, इति क्या होती है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, शलभ, मूषक, खग और राजाओं का अव्यवस्थित होना, ये सब प्रकार की इतियों को समाप्त करने वाला इस भगवती का स्वरूप है। उसके लिए कहा है, यस्या प्रभावमतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तु बलम बलंच सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शोभयस्य मतिं करोतु। यस्या प्रभावमतुलम भगवान अनंतो, जिसका अतुल, जो तोलने के योग्य नहीं है, जो तोलने के योग्य इतना प्रभाव, जिसकी इयत्ता का कोई परिमाण नहीं, और इसके प्रभाव को ब्रह्मा और शंकर और शेषनाग ये भी जिसके प्रभाव को नहीं जान पाते। सा चंडिका अखिल जगत परिपालनाय, वह चंडिका भगवती, वह वैष्णवी, वह चंद्र घंटा संपूर्ण जगत के परिपालन के लिए अपना मन बनाए और नाशाय चा भुज अशुभ मय से मतें करो तू, जो अशुभ हैं, जो भय हैं, उन भयों को नाश करने के लिए और जो शुभ हैं उनको संकल्पों को, उन शुभ संकल्पों को उन्नत करने के लिए अपना विचार बनाए और अपनी मति बनाए। भगवती के सप्तशती में कई प्रकार की आराधनाएं, कई प्रकार के मंत्र कहे हैं। उन मंत्रों में एक मंत्र है, बच्चों को यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई बाधा उनमें आ जाए, कोई नजर इत्यादि दोष हो जाए, तो उसके लिए कहा है, बाल ग्रहाभिभूतानाम बालानाम शांतिकारकम संघात भेदे जननाम मैत्रीकरणमुत्तमम। बालों को यदि किसी प्रकार की भूत बाधाएं, नजर इत्यादि दोष भी हो जाते हैं,
बारह नाम शांति कार्यक्रम, यह जो है ये चरित्र जो है और ये जो मंत्र जो है ये बालकों के शांति के लिए है। संघात भेदे जिन नाम, समाज में या परिवार में लोगों की यदि आपस में कोई किसी प्रकार की फूट पड़ी हुई हो तो मैत्री ही करना उत्तमम, और संघात में मैत्री करने वाला यह श्लोक है, यह मंत्र है। आपस में जो किसी प्रकार की कोई फूट पड़ जाती है समाज में, देश में या परिवार में, तो इस प्रकार का यह मंत्र जो है ये उस शांति को देने वाला है और सौमनस्यता को देने वाला, मैत्री को करवाने वाला है। दुर्वृत्ता नाम शेषाणाम बलहानिकरम परम रक्षो भूत पिशाचानाम पठना देवनाशनम। दुर्वृत्ता नाम शेषाणाम, जितने भी दुर्वृत्त हैं उनको इसके पढ़ने मात्र से ही उनका नाश हो जाता है। दुर्वृत्ता नाम शेषाणाम बलहानिकरम परम, और उनकी जो जो एक अव्यवस्थित शक्तियां हैं जो किसी प्रकार की आतंक मचाती रहती हैं, वो इस प्रकार की उनके बल को, उनकी ताकत को नाश करने वाली चरित्र है। रक्षो भूत पिशाचानाम पठनादेव नाशनम, इसके पठन मात्र से ही राक्षसों का, भूत का, इस प्रकार की बाधाओं का वो शमन होता है। इस समय भगवती वैष्णवी पूरे जगत के कल्याण के लिए विचार करें और हम सभी लोग श्राइन बोर्ड के माध्यम से हमारे परमादरणीय सम्माननीय राज्यपाल जी के आदेश से, चीफ एग्जीक्यूटिव महोदय के आदेश से यह विश्व कल्याण के लिए एक शतचंडी यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ में विविध प्रकार के मंत्रों का पाठ, संपूर्ण पाठ और संसार की सब प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए पाठ हो रहे हैं, जप और हवन जो है वो किए जा रहे हैं, होमात्मक ये शतचंडी यज्ञ है। और इस यज्ञ के माध्यम से हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि पूरे विश्व के जितने भी लोग हैं उन सब का कल्याण हो, विश्व में होने वाले जो अरिष्ट हैं वो सब प्रकार के अरिष्ट जो हैं वो दूर हों, और आप सबके अनुदान से, आप सबकी प्रार्थनाओं से, आप सबकी श्रद्धा से जो जहां पर भेंटाएं दी हैं वो आप सबकी प्रसन्नता के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए यह श्राइन बोर्ड अहर्निश प्रयत्नशील है और अहर्निश प्रयत्नशील रहा है और आगे भी रहेगा। और इसके लिए सर्वप्रथम भगवती की उपासना, भगवती की महिमा, और उसके साथ दूसरे स्थान पर जो आने वाले हमारे यात्री हैं, मां के भक्त हैं, उन सब के लिए सब प्रकार की सुविधाएं देना है। इस आरती के अवसर पर, प्रातःकालीन की जो आरती है, इस आरती के अवसर पर आप यहां पर सभी उपस्थित हैं और उपस्थित होकर के ऐसा दिव्य दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हमारे पुजारी जी थोड़े ही समय में अब आरती करने वाले हैं और आरती में आप दिव्य आनंद का अनुभव लेंगे। लेकिन आरती हम बार बार क्यों करते हैं, मैं बार बार भी आपसे कहता हूं और सभी को यही मालूम होना चाहिए कि यहां पर जो आरती की जाती है, आरती में पांच बातें हम करते हैं। एक तो सबसे पहले तो ये अखंड दीप जहां पर चल रहे हैं, अंदर भी माता के पास गुफा में दीप चल रहा है, तो दीपक का जो जहां पर अखंड दीप का प्रज्वलित होना ये दर्शाता है कि आप सबकी उन्नति के लिए कामनाएं की जा रही हैं। जथे बोर्धगति राजन, जथे बोर्धगति नित्या राजन दीप शिखा शोभा दीप धातु तथे बोर्ध गतिर भवतु शोभना। जिस प्रकार की दीपक की जो लो जो है, दीपक की रोशनी जो है वो हमेशा उन्नत होती है, ऊपर की ओर जाती है, इसी प्रकार आपकी सबकी सब प्रकार की जो भाव, अच्छे भाव हैं वो सारे के सारे उन्नतशील हों, आप दिन प्रतिदिन उन्नति करें। और इसी के साथ साथ हम कई बार कहते आए हैं कि जो ज्योति है, ज्योति स्वरूप दुर्गा का पूजन करना, ज्योतिष को एक दुर्गा भगवती का स्वरूप समझना और उसके बाद उसकी आराधना करना आपके सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली बात है। उसके साथ साथ आप, मैं कई बार कह चुका हूं कि कन्याओं का पूजन किया जाता है, हम यज्ञ में कन्या का पूजन करते हैं, पुजारी जी अभी कन्या का पूजन करने जा रहे हैं। और इन कन्याओं का पूजन करने का मतलब क्या है, कन्या को हम भगवती दुर्गा समझते हैं, कन्या को हम भगवती वैष्णवी समझते हैं और उस वैष्णवी को समझ करके हम उसकी पूजा करते हैं। और यदि इस कन्या का पूजन हम यदि कर रहे हैं, बड़े होने पर यदि इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई विपत्ति आए तो उस विपत्ति को दूर करना भी हमारा दायित्व बनता है।
और हम जो जहां पर एक प्रचलित बात है कि भाई पुत्र के लिए सभी कामनाएं की जा रही हैं और कन्याओं के लिए ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जो जिस कन्या के लिए हम इतना एक प्रार्थना करते हैं और जिस कन्या के आगे प्रार्थना करते हैं मां समय कर करके, उन कन्याओं का अपमान क्यों है? स्त्रीत्व शक्ति, मातृत्व शक्ति, मातृशक्ति जो है उसका अपमान कभी नहीं होना चाहिए। मातृशक्ति का हमेशा हर समय समादर होना चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। यत्र नारियः सपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस जगह पर स्त्रियों की पूजा होती है, जिस जगह पर स्त्रियों के अधिकार की रक्षा होती है, जिस जगह पर स्त्रियों पर आने वाले जो भय हैं वो भय दूर होते हैं, दूर किए जाते हैं, उस स्थान पर सब प्रकार के देवी देवता जो है वो निवास करते हैं। अब आप समझते हैं कि हम इतनी बड़ी शक्ति के पास जहाँ पर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आए हैं, ये शक्ति कभी नहीं चाहती कि संसार के लोग जो हैं वो आपस में लड़े भिड़े, संसार के लोग जो हैं वो परस्पर द्वेष करते रहें, घृणा भाव से एक दूसरे को देखते रहे। माँ हमेशा चाहती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो हर समय प्रसन्न रहें, ठीक प्रकार से रहें। उसी के लिए ये सब प्रकार के कार्य जो हैं वो आप करते हैं, और माँ की आज्ञा का पालन करना, माँ की उसकी उनका सम्मान करना, ये हमारा हम सबका दायित्व बनता है, हम सबका कर्तव्य बनता है। और जो आरती जो की जा रही है, आरती में पांच चीजें वहां पर पुजारी जी करके आ रहे हैं, और अभी जहां पर आपके सामने फिर ये उस बात को जहां पर दोहराया जा रहा है कि इसमें एक पांच तत्व की पूजा है। पांच तत्व हमारे शरीर में है, पांच तत्व ही पूरे संसार में है। अगर हमारे पांच तत्व हमारे बीच में ना हो, हम एक क्षण भी नहीं जीवित रह सकते। और संसार में ये पांच तत्व जो हैं, इनका संतुलन जो है वो यदि बिगड़ जाए, संतुलन जो है वो अव्यवस्थित हो जाए, तो संसार का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। पांच तत्व कौन है? पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है और आकाश है। इन्हीं तत्वों के माध्यम से हम आरती करते हैं, और आज से नहीं करोड़ों वर्षों से आरती कर रहे हैं। और इसके संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए ये आरती की जाती है, भगवान के सामने आरती की जाती है कि पृथ्वी, जब हम नमस्तक नवाते हैं तो पृथ्वी तत्व की पूजा करते हैं, जब हम अपने हाथ पर शंखी में जल लेते हैं और कुंभारती करते हैं जल लेकर के, तो जल तत्व की पूजा करते हैं कि पूरी पृथ्वी पर जल जो है वो बिल्कुल स्वच्छ रहे, और जल पेय रहे, जल की अस्वच्छता रहेगी हमारा जीवन जो है वो अव्यवस्थित हो जाएगा। उसके बाद ज्योति जला करके हम ज्योति स्वरूप दुर्गा का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, और एक तेज तत्व की पूजा करते हैं, वो सूर्य का। यदि हम ये सूर्य का तेज जो है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की आतप, सूर्य की धूप जो है हम तक पहुंचने में यदि कष्ट का अनुभव करेगी, या देर से पहुंचेगी, या पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण से नहीं पहुंच पाएगी या कम पहुंच पाएगी, तो हमारा जीवन तब भी दूर हो जाएगा। पृथ्वी, जल, तेज और वायु, उसके बाद मोर पंख लेकर के या गजगा लेकर के उसको हवा करते हैं। हवा करने का तात्पर्य केवल मात्र यही है कि पूरे संसार की हवा जो है वो बिल्कुल स्वच्छ रहनी चाहिए, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होना चाहिए, वृक्षों का अनाप शनाप कटाव नहीं होना चाहिए, पहाड़ों का अनाप शनाप कटाव नहीं होना चाहिए, समुद्र को छोड़ने के लिए, जब भगवान, हम जो कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो समुद्र में सोए हुए, समुद्र में विराजमान होते हैं लक्ष्मी के साथ, अब समुद्र का भी इतना कटाव शटाव हो गया है, भगवान विष्णु को जाने के लिए भी मेरे ख्याल में उनको कोई सोचना पड़ेगा कि वहां समुद्र को छोड़ करके वहां कहां बन जाए। इसलिए जो अव्यवस्था, जो असंतुलन, जो पर्यावरण के प्रदूषित होने से बनता है, इस प्रकार के असंतुलन को हम दूर भगाएं, और इस प्रकार का असंतुलन जो है वो हम न रखें। उसके बाद जहां पर शंख बजाते हैं, शंख की ध्वनि क्या है? आकाश है। तो शब्द गुण का आकाशम, जो आकाश का गुण क्या है कि शब्द है, और यदि मुंह के आगे स्थान नहीं होगा तो आवाज जो है वो दूसरे तक नहीं जा सकेगी, इसलिए वो आकाश की स्वच्छता, आकाश पूरा का पूरा स्वच्छ होना चाहिए। इन्हीं चारों पांचों बातों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, हमारी आरती होती है। आरती प्रक्रिया प्रातःकाल पूजा और पाठ से ये आरती प्रक्रिया हम आगे चलाते हैं, उसका एकमात्र तात्पर्य यह है कि भाई पृथ्वी पर जल, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सब इनका संरक्षण हो, इनमें पर्यावरण का कभी भी प्रदूषण जो है वो ना हो, और जिससे कि हमारा जीवन ठीक प्रकार से व्यवस्थित होकर के चलेगा। यदि इन चीजों में, इन बातों में यदि किसी प्रकार का विकार आएगा, इस प्रदूषण में किसी प्रकार की खराबी आएगी, हमारा जीवन दुर्बल हो जाएगा। मैं आप सबसे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, वो आपके माध्यम से यदि इस प्रकार की बात को कहेंगे, तो माँ के दरबार से, वैष्णवी के दरबार से, माँ जगत जननी जगदम्बा के दरबार से, इस प्रकार का
पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें आगे आना चाहिए और भ्रूण हत्याएं जो हैं वो हमको बंद करनी चाहिए। केवल इस प्रकार से हम ये सोचें कि कन्या, कन्या हमारा शक्ति स्वरूप है, मातृशक्ति है, कन्या जो है वो एक देवी स्वरूप है और इनका संरक्षण हमारे लिए हमारा दायित्व बनता है। इसलिए हम ये कहें कि भगवती ये चंद्रघंटा जो है ये हमारे लिए सब प्रकार के वरदानों को दें और जो बातें हमारी बुद्धि में नहीं आती हैं और जिनको हम नहीं कर पा रहे हैं वो सारी बातें भगवती हमारी बुद्धि में भेजे। और या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस प्रकार की उस भगवती जगत जननी जगदम्बा को, वैष्णवी माता को, त्रिपुर सुंदरी को हम प्रणाम करते हैं और उससे हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें और पूरे विश्व का कल्याण करें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले पुजारी जी अभी आरती करने वाले हैं और उस आरती में चंद्र घंटा का ध्यान करते हुए आनंद लीजिए। आरती का अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये प्रार्थना कीजिए। मैं एक मंत्र के माध्यम से आपको भगवती के दरबार से आशीर्वाद दूंगा, आप उस भगवती से अपने वरदान को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। ओम द्रविधोदाह पिबिघति जुहोत प्रचतिष्ठत नेष्ट्राद्रितोभिरिख्यत सवितात्वा सवानाग्वं सुवतामग्निर्गृहपतिनाग्वं सोमो वनस्पतीनाम बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्येष्ठाय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धर्मपतीनाम न तद्रक्ष्याग्वंसि न पिशाच स्तरन्ति देवान मोजः प्रथम यद्गुह्येत जो विवर्तिदाख्यायणग्वं हिरण्यग्वं सदेवे कुकृणुते दीर्घमायुः समनुखे कुकृणुते दीर्घमायुः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पुजारी जी आरती करने जा रहे हैं, आरती का आनंद लीजिए। बोल सचिना जोता वाली माता।